नमस्कार, मैं हूं एम राजा और आप देख रहे हैं डीबीएन टीवी। अलीनगर विधानसभा 81 से एक महिला उम्मीदवार सपना भारती इन दिनों निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आ रही हैं। वे लगातार अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलकर लोगों को प्रेरित भी कर रही हैं। सपना भारती कहती है कि मेरे मुख्य एजेंडा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व बाढ़ का स्थायी निदान प्रमुख मुद्दा है। वो कहती है कि बिहार सरकार जितना कागजी रूप से काम दिखा रही है, दरअसल उतना धरातल पर उतरता ही नहीं है। प्रशासन बेलगाम है, ब्लॉक से थाना तक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, घुसखोरी भी हद पार कर रही है। सरकार के मापदंड के मुताबिक बेघर दलित और महादलित परिवार को बसने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। नल जल योजना पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने सरकार को घेरा है। तो अब सुनिए अलीनगर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आई सपना भारती को डीबीएन टीवी के खास मुलाकात में उन्होंने क्या कुछ कहा है। गरीबों लोगों को मैं बचाना चाहती हूँ, जो हर एक कदम कदम पर भटक रही है उसको हम उठाना चाहते हैं। और बड़ा बड़ा राजनीतिक लोग है उसको जो है मतलब समझ नहीं आ रहा, लेडीज लोग के वहाँ की पढ़ी लिखी नहीं है। हम चाहते हैं जो वो लोग मूर्ख है जो उसको हम समझा कर बुझा कर और आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। इस स्थिति में गरीब लोग तो मारा ही जाएगा ना, इसलिए हम चाहते हैं जो हर एक गरीब को उठा दे। और उसको जगह जगह तड़प रही है, भटक रही है, उसको जो हम आगे करना चाहते हैं जो बढ़े और सीखे। छोटे छोटे बच्चे लोग रोड पे भटक रहे, कोई शिक्षा नहीं दे रहा जा रहा है, उसको हम सोच रहे शिक्षा दे, यही सब बात है। और नाला और रास्ता ये सब नहीं बन पा रहा, मैं सोचती हूँ जो बन जाए। इसके लिए जगह जगह रोड सड़क नहीं बन पा रहा है तो हम सोचते हैं बने। गरीब के दूरे दरवाजे पर देखिएगा, पूरा थाल कीचड़ बच्चे लोग टहल रहा है, उस रोड में गिर रहा है। अगर रोड बन जा रहा है तो उस पर बच्चे लोग सही ढंग से चल पाएगा, गरीब लोग चल पाएगा। और बाढ़ आ रहा है तो उसमें कुछ भी अनाज हो, पैसा हो, आधा लोग के पर मिल रहा है, कुछ लोग को मिल नहीं पा रहा है। तो सोच रहे उन लोग को भी मिले बाढ़ का, वो तो 2-3 साल से देख रहे हैं जो बाढ़ आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े लोग को पैसा मिल रहा है और छोटे गरीब लोग को है जो रोड पे बगवा रहा है उन लोग को पैसा ही नहीं मिल रहा है। जो काम अभी नहीं बन पा रहा बड़े बड़े नेता लोग से, तो मैं सोचती हूँ जो मैं काम करके दूंगी। रोड पे भटक रहा है तो शिक्षा ही देगा तब तो बच्चे लोग स्कूल में जाकर पढ़ाई करेगा। हर एक टीचर लोग है वो स्कूल में जाते हैं, अटेंडेंस नहीं बन रहा है, हाजिरी नहीं बन रहा है, बच्चे लोग खेल रहा है, कूद रहा है, तो बच्चे को तो शिक्षा देंगे तभी तो ये मुद्दा आगे बन पाएगा। बच्चे लोग तो हम सही करने के लिए चाहते हैं।